सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलरिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी डिजाइनर ब्लाउज। तो इसका नाप 35 चेस्ट है, 28 कमर है। ब्लाउज की निचाई 14 इंच है, 22 इंच आस्तीन है, 7 इंच मोहरी है। पहले हम ये अस्तर को काटेंगे। मैंने आपको बताया यहाँ तक हमारी चेस्ट है 35, 17 दिन में 34, 17.5 ले रहे हैं। तो हम इसको बीच में लेंगे जिससे हमारी गुंजाइश भी। इस तरीके से हम इसको डबल करेंगे। आप सोच रहे होंगे एक छोटा बड़ा क्यों रख रहे हैं। तो पहले हम पीछे का पल्ला निकालेंगे। जितना हमारा इंच का पीछे का पल्ला है 14 इंच का, तो हम एक एक बढ़ा के लेंगे इसको इस तरीके से। और यहाँ पे हम मुद्दे लेंगे 7 इंच के। बाजू लगाएंगे यहाँ से इस तरीके से। हम इसमें गोलाई देंगे। चौड़ाई देंगे गले की, गले की। इस तरीके से हम गोल शेप दे देंगे। ये तो हमारा पीछे का पल्ला कट गया है। इससे हम यहाँ पे कैंची का कुटका लगाएंगे और बुकरम का गला बनाएंगे। यहाँ पे के जो होते हैं वो लगाएंगे बैक डिजाइन। तो हमारी बुकरम की लंबाई 8 इंच है और 7.5 चौड़ाई है। तो हम इसको इस तरीके से डबल करेंगे। तीन इंच यहाँ से हम चौड़ी लेंगे, तीन इंच हम यहाँ से चौड़ाई लेंगे और इसमें गोल गला बनाएंगे इस तरीके से। हम इसमें और भी कई प्रकार के गले बना सकते हैं, जैसे इस तरीके से मटका गला। ये यहाँ से भी हम गोल आकार में काटने की
यहाँ पे लगाएंगे। हमारा पीछे का पल्ला हो गया है, अब हम आगे का पल्ला काटेंगे। तो हम यहाँ पे 12 इंच इस तरीके से एक तीरा लगाएंगे इसमें। यहाँ से हम 7 इंच लेंगे। यहाँ पे हम 9 इंच में इस पे एक गोल ये बनाएंगे जिस पे हम प्लेटें डालेंगे। यहाँ से हमारी 3 इंच हमारी 2.5 इंच की प्लेट होगी। इस तरीके से हम ये प्लेटें डालेंगे। ये बैक डिजाइन है तो आप इस वाली प्लेट को ना डालें, यहाँ से 3 प्लेट ही डलेगी। और थोड़ी कैंची का निशान लगा लेंगे। कपड़े को काटेंगे। जैसे हमने अस्तर लिया था 20 इंच का, उसी तरीके से हम एक कपड़ा भी लेंगे, थोड़ा बढ़ा के लेंगे आधा इंच, क्योंकि कपड़ा थोड़ा सरकता है इसलिए हम इसको आधा इंच बढ़ा के लेंगे। आगे वाला हिस्सा रखेंगे। अब हमने पीछे वाला हिस्सा काट रहे हैं।
दीवार है हमारी 20 इंच की है, तो हमने 21 इंच लिया है। जैसे हमारी बाजू 22 इंच की थी मगर ये कपड़ा कम है, तो हम इसको 20 इंच की बाजू ले रहे हैं। और चौड़ाई बाजू की 8 इंच चौड़ी है और हम इसमें यहाँ से 3 इंच नीचे की तरफ से 3 इंच लेंगे और इस तरीके से इसमें शेप दे देंगे बाजू में। यहाँ से हमको 3 इंच लेना है और इस तरीके से शेप देंगे। और मोरी हमारी 7 इंच की है, तो हम बढ़ा के ले सकते हैं मोरी को। इस तरीके से हम यहाँ पर मोरी पे भी शेप दे दें। बाजू कट गई। अब हम जो बुकरम का गला बनाएंगे वो इस तरीके से एक कपड़ा रख के और जो गले में आगे वाले गले में जो पट्टी लगाएंगे वो हम इस तरीके से बनाएंगे और ये भी पट्टी करके इसी में आपको चलते भी बताऊंगी अगली वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।